गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश बाघोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में बातें कर रहे हैं और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। अगर अपन प्राचीन इतिहास के बारे में दृष्टिपात करें तो हमें ज्ञात होगा कि न केवल राजस्थान में बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन काल में विभिन्न सभ्यताएं या अस्तित्व में थी। बहुत सारी सभ्यताएं अपने नदी घाटियों के किनारे किनारे फलीभूत हो रही थी और उसी समय अलग अलग समय में आज से लगभग 5000 साल ईसा पूर्व 5000 साल से लेकर के हम यूँ कहें कि ईसा पूर्व प्रथम या द्वितीय शताब्दी तक हमारे सामने ऐसे कई दृष्टांत हैं, कई उदाहरण हैं जब विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं अस्तित्व में रही थी। उसके प्रमाण, उसके साक्ष्य आज भी हमारे पास हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत में और वर्तमान पाकिस्तान में विस्तृत थी, वर्तमान पाकिस्तान से लेकर के भारत में गुजरात से आगे तक हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास चारों तरफ से फैली हुई थी और किन्हीं कारणों से ये सभ्यताएं अब अस्तित्वहीन है, यानी कि नष्ट हो चुकी है। उसी की कड़ी में राजस्थान में भी हमें कई प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। ये सभ्यताएं ईसा पूर्व 5000 साल से लेकर के ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक हमें दृष्टिगोचर होती है, प्राप्त होती है। अलग अलग जगह से हमें अलग अलग प्रकार के, अलग अलग स्तर के, अलग अलग समय के, अलग अलग युगों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसी की कड़ी में आज अपन बात करेंगे राजस्थान में प्राचीन सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता कालीबंगा की सभ्यता। कालीबंगा जो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में, और ये जो सभ्यता है इसका समय लगभग 4000 से 5000 ईसा पूर्व माना गया है। जो उत्खननकर्ता थे, उत्खननकर्ता मैं आपको बता दूं, इसमें उत्खनन किया था 1961 से 1969 के बीच में बालकृष्ण थापर और ब्रज बिहारी लाल द्वारा। बीके थापर और बीबी लाल इनको संक्षेप में बोलते हैं। इन्होंने जब इसका उत्खनन किया था, इनके जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, यहाँ से जो भी सामग्री हमें प्राप्त हुई है उसके बारे में इनके द्वारा अनुमान लगाया गया था कि यह सभ्यता ईसा पूर्व 4000 से 5000 वर्ष पुरानी है। और कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर इसका जो काल था वो काल माना गया 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा, दोनों में समय मैंने अलग अलग तरीके से बतलाए हैं। एक कार्बन डेटिंग पद्धति से इसका समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया, और उत्खननकर्ताओं ने उत्खनन सामग्री के आधार पर इसका समय लगभग 4000 से 5000 ईसा पूर्व बतलाया गया। और ये जो सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। हम धातु के संबंध में तीन धातुओं की चर्चा करते हैं, ताम्र यानी तांबा, लोह और कांस्य। अलग अलग समय में अलग अलग धातुओं का प्रचलन रहा और इसी के कारण से कालीबंगा सभ्यता है वो उसमें ये माना गया कि कांस्य धातु का प्रचलन होना पाया गया, और इसी के कारण से उत्खननकर्ताओं ने इसको कांस्य युगीन सभ्यता की श्रेणी में रखा था। इसके अवशेष जो है, मेरे सभ्यता के अवशेष जसमती और सरस्वती नदी की घाटियों में मिले हैं। ध्यान रखिएगा, आज ये दोनों ही नदियां भारत में नहीं बहती है, अस्तित्व में नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये नदियां समय के साथ विलुप्त हो गई और इन नदियों का स्थान जो है आज घग्गर ने ले लिया है। घग्गर नदी जो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और हिमालय से बहने के पश्चात हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान से बहते हुए ये वर्तमान में पाकिस्तान में जाकर विलीन हो जाती है। तो किसी समय यहाँ पर
दशमती और सरस्वती नदियां बहा करती। हालांकि सैटेलाइट इमेज से ये आज भी ज्ञात होता है कि सरस्वती नदी आज भी धरती के अंदर बहा करती है, लेकिन फिलहाल ये नदियां अस्तित्व में नहीं है और इन नदियों के स्थान पर आज जो नदी बहती है उसको घग्गर कहते हैं। और ये जो सभ्यता है हनुमानगढ़ जिले में प्राप्त कालीबंगा सभ्यता, ये इसी घग्गर नदी के इर्द गिर्द हमें प्राप्त हुई। यदि हम कालीबंगा शब्द का इस्तेमाल करें, शब्द का अर्थ जाने, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमें बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी से बनी हुई चूड़ियां प्राप्त हुई है जो समय के साथ काले रंग में बदल गई, और काले रंग की चूड़ियों के कारण से इसका नाम कालीबंगा पड़ा था। सभ्यता के बारे में, इस कालीबंगा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी जो है हमें लुइस पी टेसिटोरी से प्राप्त होती है। उन्होंने अपने आलेख में सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी प्रदान की, और इसी के पश्चात जब लुइस पी टेसिटोरी ने इस सभ्यता की जानकारी प्रदान की, तब 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। और जो लुइस पी टेस्टोरी थे, इन्होंने ये बताया था कि सिंधु घाटी की विस्तृत सभ्यता में उसी समकालीन एक सभ्यता राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में भी विस्तृत थी, और इसी के बाद अमलानंद घोष ने इसकी खोज प्रारंभ की और 1952 में कालीबंगा की खोज इनके द्वारा की गई। और जब 1952 में खोज हो गई तो उसके पश्चात 1961 से लेकर 1969 के बीच में बीके थापर और बीबी लाल द्वारा इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। इस उत्खनन कार्य के लिए दो टीलों का चयन किया गया, यानी कि जहां पर उत्खनन किया जाना था वो दो टीले थे। एक छोटा टीला था जो पश्चिम क्षेत्र में गढ़ी के नाम से कहा गया, गढ़ी के नाम से जाना गया। ये जो टीला था इसमें जो राज परिवार के जो लोग थे, जो सैनिक वर्ग के लोग थे, वो रहा करते थे। और जो दूसरा टीला था वो बड़ा टीला कहा गया, जो पूर्व में स्थित था, और इसको नगर क्षेत्र कहा गया। यहाँ पर इस इलाके में नागरिक रहा करते थे। यानी दो टीले, एक छोटा टीला जो पश्चिम क्षेत्र में था गढ़ी कहा गया, और उसमें जो राजशाही के लोग थे और सैनिक जो लोग थे वो रहा करते थे। दूसरा बड़ा टीला था जो पूर्व में स्थित था, जिसको नगर क्षेत्र कहा गया, जिसमें नागरिक निवास करते थे। इस जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी कुछ विशेषताएं थी। इसको मातृसत्तात्मक समाज वाली सभ्यता कहा गया, मातृसत्तात्मक, जिसमें माता घर की मुखिया हुआ करती थी। इसका अनुमान इस बात के लिए लगाया गया क्योंकि यहां से जो हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं, सिक्के, इस पर एक तरफ महिला का चित्र खुदा हुआ था, और महिला का चित्र प्राप्त होना इस बात की ओर संकेत करता था कि वहां पर महिला प्रधान समाज हुआ करता था और महिलाओं को प्रमुखता प्राप्त थी, इसीलिए इसको मातृसत्तात्मक समाज कहा गया। इसी सिक्के के दूसरी तरफ व्याघ्र यानी कि चित्ते का चित्र प्राप्त हुआ है। इसे यह पता चलता है कि उस समय के लोग व्याघ्र यानी कि चित्ते से भी परिचित थे। दूसरी इसकी मोटी विशेषता थी, ये नगरीय सभ्यता थी, यानी कि यहाँ पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी चीज़ें मिलती है सारे सारे बड़े बड़े नगर मिलते हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी आदि जो हमें बड़े बड़े नगर मिलते हैं, जैसे धोलावीरा राजस्थान में, गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, ये बड़े बड़े नगर हुआ करते थे, जो इसे महानगर हम कह सकते हैं। इसी कारण से इसको नगरीय सभ्यता कहा गया। यहाँ पर हमें नगर के पांच स्तर मिले हैं, जो पूरा का पूरा नगर परकोटे से सुरक्षित होता था, यानी चारों तरफ उसके परकोटा हुआ करता था, दरवाजे लगे होते थे और रात होते ही, अंधेरा होते ही वो दरवाजे बंद हो जाया करते थे। नगर दो टीलों पर बसा हुआ था, पूरी टीले पर नागरिक व पश्चिमी टीले पर सैनिक या प्रशासक रहते थे। अभी जैसे मैंने बात की थी कि जो पश्चिमी टीला था उसको दुर्ग या गढ़ी कहते थे, जिसपे सैनिक और प्रशासक रहते थे, और पूरी टीले को नागरिक कहा गया, जिसमें जनता यानी कि नागरिक निवास करते थे। इस सभ्यता में हमें जल निकासी का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि घरों का जो पानी था वो लकड़ी के पाइपों से बाहर निकाला जाता था और पूरी तरह से जल निकासी यहाँ पर संभव नहीं थी। इसके लिए अलग अलग प्रकार की तकनीक यहाँ के नागरिक प्रयोग में लाते थे। मकान कच्ची ईंटों के बने हुए थे, हाँ, हालांकि कहीं कहीं जो
हमें मकान प्राप्त हुए वो अलंकृत ईंटों के ही प्राप्त हुए। आम नागरिकों के जो मकान थे वो कच्चे ईंटों के थे, और सैनिक और प्रशासक जिस इलाके में रहते थे गढ़ी इलाके में, वहाँ से हमें अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है। कच्ची ईंटों के प्रयोग और जल निकासी व्यवस्था के अभाव के कारण से, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी मात्रा में कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ पर होता था, और दूसरी जल निकासी व्यवस्था सुचारू नहीं थी, प्रभावशाली नहीं थी, उसकी कमी थी। इस कारण से इस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा गया। कालीबंगा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था के अभाव के कारण से और कच्ची ईंटों के प्रयोग के कारण से इसको दीनहीन बस्ती कहा गया, यानी गरीब बस्ती कहा गया। इसमें जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इस सभ्यता से, उनमें सबसे पहला 7 अग्निवेदिकाएं, अग्निवेदिकाएं यानी कि अग्निकुंड कह सकते हैं, हवन कुंड कह सकते हैं, वो हमें 7 प्राप्त हुई है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ के नागरिक पूजा पाठ कर्मकांड आदि चीजों में विश्वास किया करते थे। एक जो हमें प्राप्त हुआ है वो दोहरा जुता हुआ खेत का प्रमाण है, दोहरा जुता हुआ खेत। ये प्रमाण पूरे विश्व में केवल कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको विश्व का पहला जुताई का प्रमाण भी कहा जाता है। दोहरे का मतलब एक साथ दो फसलों को लेना, एक साथ दो फसलों को बोना। यहां पर हमें गेहूं व जौ के प्रमाण प्राप्त हुए, इसका मतलब वहां के नागरिक एक साथ दो फसलें गेहूं और जौ की अपने खेतों में बोया करते थे। एक हमें तंदूर जैसा चूल्हा भी प्राप्त हुआ है, इसका तात्पर्य निकलता है कि वहां पर लोग तंदूर के माध्यम से रोटियां सेका करते थे। खड़िया मिट्टी की बनी मोहरे भी प्राप्त हुई है, खड़िया मिट्टी जो आज भी गंगानगर इलाके में प्राप्त होती है, हनुमानगढ़ इलाके में प्राप्त होती है, जिससे आज वहां पर ईंटें बनती है, उसी खड़िया मिट्टी से वहां पर मोहरे भी बनती थी जो हमें वहां पर प्राप्त हुई है। यहां पर सवाधान के 3 तरीके थे जिनसे व्यक्तियों के मरने के बाद सवाधान किया जाता। पहला पूर्ण सवाधान, दूसरा आंशिक सवाधान, और तीसरा दाह संस्कार। मैं इसके बारे में बता दूं, पूर्ण सवाधान का शाब्दिक अर्थ होता है कि पूरी तरह से मृत शरीर को मिट्टी में दफना देना। आंशिक सवाधान का मतलब होता है कि मृत शरीर को खुले में छोड़ दिया जाता था ताकि पशु पक्षी उसको खा सके, अपना पेट भर सके, और जो शेष बच जाता था उसको मिट्टी में दफन कर दिया जाता था। और तीसरा दाह संस्कार यानी कि उसको अग्नि के साथ जला दिया जाता है, जैसे आज हिंदू धर्म में होता है। यह सवाधान जो है, इस प्रकार का 3 प्रकार का सवाधान केवल इसी सभ्यता में प्राप्त हुआ है, बाकी अन्य सभ्यताओं में हमें इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तांबे का बना बेल प्राप्त हुआ है, यानी कि इसका मतलब यह था कि तांबा भी यहाँ पर उपयोग में लाया जाता था। बेल इस बात का संकेत करता है कि ये बेल से परिचित थे और शायद बेल से वो अपने खेत जोतते थे। ऊंट की अस्थियां भी यहाँ से प्राप्त हुई है, इसका मतलब वो ऊंट से भी परिचित थे, और गाय की मुखाकृति जैसे प्याले भी प्राप्त हुए, इसका मतलब कि यहाँ पर धातु कर्म का शिल्प भी प्रचलित था। लोग धातुओं से अलग अलग प्रकार की सामग्री बनाया करते थे, और गाय की मुखाकृति प्राप्त होना इस बात का संकेत है कि यहाँ के लोग गाय से भी परिचित हुआ करते थे। कांस्य का बना दर्पण मिला है, और हाथी दांत का कंघा और तांबे की हेयर पिन मिली है। इसका मतलब यह होता है कि यहाँ के लोग शोक श्रृंगार के कार्यों में भी व्यस्त रहा करते थे, यानी कि उनका उनको शोक हुआ करता था। दर्पण, कंघा, हेयर पिन आदि मिलना इस बात का संकेत करता है। कालीबंगा वासियों को लिपि का ज्ञान था, यानी कि वो एक ऐसी लिपि का प्रयोग करते थे जिसके माध्यम से वो अपनी पहचान सुनिश्चित कर सके या पहचान बना सके। जो लिपि थी वो लिपि चित्रात्मक थी, और इसकी खास बात ये थी कि ये दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी, यानी कि एक बार दाएं से बाएं का मतलब है कि ऐसे लिखना, फिर ऐसे लिखना, फिर ऐसे लिखना, यानी कि इस प्रकार से सर्पिलाकार रूप में ये लिपि चला करती थी। और इस लिपि को जो है पिक्टोग्राफिक या बाउस्ट्राफिडेन कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, ये इस प्रकार की जो चित्रात्मक लिपि थी जिसको दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखा जाता था, इसको पिक्टोग्राफिक या बाउस्ट्राफिडेन कहा जाता था। कालीबंगा के ये जो साक्ष्य है
वो कालीबंगा में जो म्यूजियम बना हुआ है उसमें आज भी सुरक्षित है। ये कालीबंगा की जो सभ्यता थी ये पाकिस्तान के कोटद्वीजी सभ्यता से समानता रखती है, यानी कि पाकिस्तान में जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल कोटद्वीजी उसके साथ काफ़ी कुछ मिलती है, उससे समानता रखती है। और बीकानेर की सोंधि सभ्यता को कालीबंगा प्रथम कहते हैं, क्योंकि बीकानेर में जो सोंधि नामक स्थान पर जो हमें सभ्यता प्राप्त हुई है वो ऐसा माना जाता है कि कालीबंगा से भी पहले की है और कालीबंगा से मिलती जुलती है। जो साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं वही साक्ष्य सोंधि से भी प्राप्त हुए हैं और इसी कारण से इस सोंधि सभ्यता को कालीबंगा प्रथम कहा गया। यहाँ पर मातृ देवी की मूर्तियों का अभाव था, यानी कि जो सिंधु घाटी की हड़प्पा जैसी जगह से जो मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली है वो मूर्तियाँ हमें यहाँ यानी कि कालीबंगा से प्राप्त नहीं होती। ये जो सभ्यता थी ये सौंदर्य प्रेमी सभ्यता थी, सौंदर्य प्रसादन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। इसका कारण ये था कि यहाँ के लोगों को श्रृंगार करने, क्रीम पाउडर लगाने, काजल, कंघा, दर्पण, लिपस्टिक आदि लगाने आदि का उपयोग करने का पाया गया, यानी कि ये लोग इन चीज़ों का उपयोग करते थे। इसी कारण से सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से ये सभ्यता जानी गई। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा से परिचित थे, यानी कि आज जिसे हम ऑपरेशन कहते हैं वो इस लगभग 4000 साल पुरानी सभ्यता में उस समय भी ये चीज़ पाई जाती थी, यहाँ के लोग इससे परिचित थे। ये उदाहरण हमें अन्य किसी सभ्यता में प्राप्त नहीं होता। यहाँ के जो लोग थे इस सभ्यता के लोग ग्रिड पैटर्न की जानकारी रखते थे। ग्रिड पैटर्न क्या होता है? किसानों द्वारा एक ही भूभाग पर एक ही निश्चित समय में दो फसलों को एक साथ उगाने की कला, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि एक साथ दोहरा जुता हुआ खेत का प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसमें एक ही जगह एक ही भूमि पर किसान के द्वारा गेहूं और जौ की फसल ली जाती थी। इसका मतलब एक ही भूभाग पर यदि एक ही समय में दो फसलें ले तो उसको ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। इस पैटर्न से भी यहाँ के लोग परिचित थे और इस सभ्यता का पतन ऐसा माना जाता है कि समय के साथ आई बाढ़ ने ये इस सभ्यता को समाप्त कर दिया, या यहाँ के लोग जो है यहाँ के नागरिक जो है अन्यत्र जाकर बस गए थे। विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए, यानी कि कालीबंगा सभ्यता से हमें भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 2100 ईसा पूर्व यहाँ पर शायद भूकंप आया होगा। याद रखिएगा विश्व में और कहीं पर भी किसी भी सभ्यता में भूकंप के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। याद रखिएगा ऐसा प्रश्न कई बार राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा, तो वो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा। यहाँ की जो सड़कें थी समकोण पर एक दूसरे को काटते थे, यानी 90 डिग्री पर यहाँ पर जो सड़कें बनी हुई थी। मकान के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, यानी कि मेन रोड पर मुख्य रोड पर दरवाजे नहीं हुआ करते थे जबकि पीछे की ओर दरवाजे हुआ करते। मकानों की जो पद्धति थी उसको ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा गया। इसको ऑक्सफोर्ड को जल पद्धति, ग्रिड पद्धति या चेम्सफोर्ड पद्धति भी कहते हैं। मकान बनाने की जो कला थी उसको ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा गया। यहाँ पर अंडाकार समाधि के प्रमाण भी मिले हैं जिसमें सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर होते थे, यानी समाधि यानी कि जो उसको दफनाया जाता था व्यक्ति को सिर उत्तर की तरफ रखा जाता था और पैर दक्षिण की तरफ रखा जाता था। और एक खास चीज स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण भी इस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो यह है कालीबंगा सभ्यता। अब बात करेंगे अपन आहड़ की सभ्यता। आहड़ जो वर्तमान में उदयपुर में है, उदयपुर शहर में ही आहड़ आ गया है। अब तो इस सभ्यता को और अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको आघाटपुर भी कहा जाता है, इसको ताम्रवती भी कहा जाता है, इसको धूलकोट भी कहा जाता है और एक महत्वपूर्ण शब्द मृतकों के टीलों की सभ्यता भी आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। मैं आपको बता दूं आहड़ जो है ये स्थान उदयपुर में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। उदयपुर में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है और आयड़ या बेड़च नदी जो है वो बनास की सहायक नदी है और इस कारण से इसे बनास संस्कृति की सभ्यता भी कहते हैं। आयड़
या बेड़त जो नदी है बनास की सहायक नदी होने के कारण से अहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति की सभ्यता भी कहते हैं। इसको ताम्र युगीन सभ्यता कहा गया है। कालीबंगा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और अहड़ सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता थी। इसको ग्रामीण सभ्यता भी कहा गया है, जबकि कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी और अहड़ ग्रामीण सभ्यता थी। इसका समय 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, यानी कि कालीबंगा सभ्यता के बाद की सभ्यता अहड़ सभ्यता मानी गई है, जो लगभग 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व की मानी गई। इसकी खोज जो है 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। अहड़ सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई और इसका जो उत्खनन है यानी कि इसका खनन करने का कार्य 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल व 1961 में एचडी सागकलिया और वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा किया गया। उत्खनन का कार्य सबसे पहले 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल आरसी अग्रवाल ने और 1961 में एचडी सागकलिया और वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। जब इसका उत्खनन कार्य चल रहा था उसी समय राज्य सरकार की तरफ से विजय कुमार व पीसी चक्रवर्ती को राज्य सरकार की तरफ से उत्खनन कार्य की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया था। यहाँ पर जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए वो पत्थर के मकान हैं, पत्थर के मकान जो बांस से ढके हुए थे और उसके ऊपर मिट्टी का लेप किया जाता था। और खास बात ये कि ये सारे के सारे मकान आयताकार बने हुए थे। याद रखिएगा आयताकार मकानों के साक्ष्य केवल अहड़ से ही प्राप्त हुए हैं। ये आयताकार मकान बांस से ढके हुए होते थे और उनके ऊपर मिट्टी का लेप किया जाता था। ये जो अहड़ सभ्यता है इसमें एक घर में छह चूल्हे एक साथ मिले, एक घर में छह चूल्हे एक साथ मिलना इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर सामूहिक भोजन की भोजन प्रचलित था, यानी कि सारे के सारे लोग मिलकर अलग अलग चूल्हों पर पहले भोजन बनाते थे फिर सामूहिक रूप से भोजन एक साथ करते थे। जो चूल्हे मिले उन चूल्हों पर मानव हथेली की छाप भी है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि ये चूल्हे मानव के द्वारा हाथों से बनाए गए थे। यहाँ के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे, यानी कि ये दोनों ही खान पान का इस्तेमाल किया करते। इनके मुख्य धार्मिक क्रिया जो थी वो दीपक जलाना था, क्योंकि यहाँ से हमें धूपदानी एवं तस्त्रियों के साक्ष्य मिले। धूपदानी मिलने का मतलब ये निकलता है कि शायद यहाँ के लोग दीपक जलाकर धूपदानी के माध्यम से पूजा अर्चना किया करते थे। जो हमें मूर्तियाँ मिली है वो तीन प्रकार की मूर्तियाँ मिली है। एक मातृदेवी की, याद रखिएगा कालीबंगा से हमें मातृदेवी की मूर्तियाँ नहीं मिलती, जबकि अहड़ से हमें मातृदेवी की मूर्तियाँ मिलती हैं। वर्षभ की मूर्ति यहाँ पर प्राप्त हुई है और नारी के पांव वाली प्रतिमा भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। मातृदेवी और नारी के पांव वाली प्रतिमा प्राप्त होने का शाब्दिक अर्थ ये भी निकलता है कि शायद ये भी सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता हुआ करती होगी। जो हमें यहाँ पर मर्द भान मिले यानी कि मिट्टी के जो बर्तन मिले वो काले और लाल रंग के मिले, यानी दोनों ही कलर के, काले रंग के भी और लाल रंग के भी। और ये जो बर्तन है ये बलूचिस्तान व ईरानी मर्द भांडों से समानता रखते हैं, यानी कि बलूचिस्तान में और ईरान में जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहाँ से जो मर्द भांड मिले ठीक वैसे ही मर्द भांड मिट्टी के बर्तन अहड़ सभ्यता से भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर बाट तांबे के होते थे, इसका प्रतीक हमें एक चीज और मिली है, यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टी भी मिली है। तांबा गलाने की भट्टी मिलना इस बात का प्रतीक है कि तांबे का कार्य बड़ी मात्रा में यहाँ पर किया जाता था और इस कारण से बाट भी तांबे का प्राप्त हुए। एक बात और, मुद्रा और मोहरे भी तांबे की बनी थी, यानी कि इससे यह भी पता चलता है कि तांबे का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ करता था। एक ताम्र मुद्रा पर एक तरफ त्रिशूल बना है और एक तरफ यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना हुआ है। इसका मतलब ये जो मुद्रा है यानी कि जो लेन देन के कार्य में उपयोग में लेती थी ये भी तत्कालीन समय में तांबे की प्रचलित थी। यहाँ से बिना हत्ते वाले छोटे जलपात्र मिले जो ईरानी सभ्यता के समीप है। इसका मतलब मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहाँ पर हमें बिना हत्ते वाले जलपात्र मिले ठीक वैसे ही यहाँ पर भी मिले। शायद ये लोग व्यापारिक लेन देन के कारण से एक दूसरे के करीब आए होंगे और वहाँ की कुछ चीज़ें ये भी सीख गए होंगे और उसी कारण से इन्होंने भी शायद इसी प्रकार के बर्तन यहाँ पर बनाए होंगे।
यहाँ शवों को आभूषण सहित गाड़ा जाता था, यानी कि जो आभूषण वो पहना करते थे उनके साथ इस शवों को समाधान कर दिया जाता था। जो प्रमुख धंधा यहाँ के लोगों का था वो था पशुपालन, रंगाई सफाई और तांबे का व्यापार। क्योंकि तांबा बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से प्राप्त हुआ है तो तांबे का व्यापार भी यहाँ के लोग किया करते थे। बेल की आकृति के टेराकोटा पद्धति से निर्मित मिली है, बेल की आकृति मिली है जो टेराकोटा पद्धति से निर्मित थी। पुरातत्व वेताओं ने इस मूर्ति को ब्रासियल बुल की संज्ञा दी है। जो बेल की आकृति मिली है इसको ब्रासियल बुल कहा गया पुरातत्व वेताओं के द्वारा। मेवाड़ के प्राचीन गुहिल वंश के शासकों की राजधानी आहड़ हुआ करती थी। मैं आपको यह भी बता दूं कि आज भी आहड़ जो है वो मेवाड़ के शाही राजवंश का शाही शमशान घाट भी माना जाता है। इसलिए मेवाड़ के गुहिल वंश की जो प्राचीन राजधानी थी वो आहड़ थी। यहाँ से गंदे पानी की निकासी के लिए चक्रकूप का प्रयोग हुआ करता था, यानी कि कालीबंगा में पानी के निकासी की उचित व्यवस्था नहीं थी लेकिन आहड़ में पानी के निकासी की बहुत ही शानदार व्यवस्था की गई थी जिसको चक्रकूप कहा गया था। पानी सुखाने की वैज्ञानिक पद्धति जो है वो चक्रकूप कहलाती, यानी कि पानी को तुरंत पुरंत सुखाना, जल्दी और बहुत तीव्र गति से सुखाना चक्रकूप पद्धति कहा गया। आभूषण के रूप में मिट्टी व पत्थर के मन के काम में लेते थे, यानी कि मन के बनाए हुए होते थे, मिट्टी के भी होते थे पत्थर के भी होते थे, वो आभूषण के रूप में यहाँ के लोग काम में लेते थे। अनाज रखने के लिए बड़े बर्द भांड मिले हैं, यानी बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन मिले हैं अनाज रखने के लिए जिनको गोरे कोठे कहा जाता था, यानी कि आज भी हम अनाज रखने का जो पात्र था उसका कोठा बोलते हैं, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कोठा बोला जाता है, ठीक उसी प्रकार से वहाँ पर गोरे कोठे कहा जाता था। आहड़ सभ्यता के तीन स्तर मिले हैं। पहला स्तर जो था जो प्राप्त हुआ है उसमें स्फटिक पत्थरों की अधिकता पाई गई है। पहले स्तर में स्फटिक पत्थरों की अधिकता पाई गई है, उपकरण और औजार जो है वो पत्थरों के प्राप्त हुए हैं। दूसरा जो स्तर है वो लोह और कांस्य के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि लोह भी इससे पहले काम में लिया जाता था, कांस्य भी काम में लिया जाता था, तांबा भी काम में लिया जाता था, ये तीनों धातुओं के पात्र यहाँ पर प्राप्त हुए। और तीसरा जो है मृद भांड के प्रमाण इसमें मिले, बहुत बड़ी मात्रा में मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये थी आज इस वीडियो की दो प्रमुख सभ्यताएं, हमने बात किया कालीबंगा सभ्यता और आहड़ सभ्यता के। अगले वीडियो में जो और भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। मौलिक रूप में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछा जाता है प्राय कालीबंगा आहड़ जैसी सभ्यताओं के बारे में पूछा जाता है, गणेश्वर सभ्यता के बारे में पूछा जाता है और इनके बारे में अपन ने बात की और भी आगे बात करेंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।